Welcome back. Ding dong, ding dong. Piano lessons for Bal Gopal. Welcome back to lesson 4. तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा पुराना लेसन था टी मेजर स्केल. मैंने आपको राइट और लेफ्ट हैंड से सिर्फ जाने के लिए बताया था, आने के लिए नहीं बताया था. वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस दिन मैंने आपको दो लेसन दिए थे और आपको प्रैक्टिस करने के लिए हर एक को अलग अलग टाइम चाहिए, इसलिए मैंने तीसरा लेसन नहीं दिया. तो मैं इस सेक्शन में आपको फोर्थ लेसन दूंगा जो कि बैकवर्ड्स है पूरे कीबोर्ड में सी मेजर स्केल का. तो हम करने जा रहे हैं सी मेजर स्केल का बैकवर्ड्स पूरे कीबोर्ड में. तो राइट हैंड से पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्ले करके स्लो प्ले करके बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको नोट्स लिख दूंगा ताकि वो और इजी हो जाए आपको प्ले करने में. तो स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से. सा नी धा पा मा ग रे सा. जब आप सी पे खत्म करेंगे तो सी जैसे ही आप खत्म करेंगे वैसे आपकी फोर्थ फिंगर आगे आएगी. जब भी आप एक ऑक्टेव फिनिश किया आपने आते टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे आपने खत्म किया सा पे, तो उसके बाद आपकी फोर्थ फिंगर आएगी. फोर्थ 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1. तो ये जो नंबर्स है इस बार मैं आपको बोल के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले बार ही आपको लिखवाया था. तो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में ताकि वो और इजी हो जाए और आपको नंबर्स के थ्रू याद हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1
बता दिया था, आज मैंने आपको आने वाला भी बता दिया। तो आपको राइट हैंड से पूरे कीबोर्ड में इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले जाने की कीजिए, उसके बाद आप आने की कीजिए। अब यहाँ से वापस ध्यान रहे, स्लो प्रैक्टिस कीजिए, एक ही टाइमिंग में चले ताकि आप भी उस चीज को समझ सके। एक ही टाइमिंग में बजाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 बेसिकली क्लिक है। जो भी रिदम, जो भी आप गाने सुनते हैं वो एक रिदम में बजती है। तो हम उसे बेसिकली काउंट देते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ सुनते हैं तो वो एक रिदम में बजती है, तो उनका क्लिक होता है। कुछ गाने होते हैं 4 बीट्स में, कुछ 3 में, कुछ 6 8 में, तो वो बाद में आपको मैं समझाऊंगा। ये नॉर्मली जो आप स्केल बजा रहे हैं सरगम, ये 4 क्लिक में बजती है, जो कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। तो मैं आपको वापस वैसा बता रहा हूँ ताकि आप काउंट करके, आपके पास अगर मेट्रोनोम है आपके कीबोर्ड में तो उसको चालू कीजिए। और इसमें नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, नेक्स्ट टाइम अगर अवेलेबल हुआ तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। तो आपके कीबोर्ड में अगर मेट्रोनोम है तो वहाँ पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए, और टेम्पो जो है जितना स्लो से आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि और उसको फॉलो करना है। बेसिकली टिक 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 चलते रहता है, तो आपको उसी को जो बीट दे रहा है उसी को किल करना है। एक एक की तभी आपको प्रेस करना है जब वो प्ले होगा। लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसी क्लिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, और बैकवर्ड्स भी सेम, जितना स्लो हो सके उतना स्लो बजाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
राइट हैंड से दोनों में बजाते हुए देखा, तो आपको ये चीज लेफ्ट हैंड से भी करनी है। लेफ्ट हैंड से बैकवर्ड्स मैं आपको बताता हूँ कि वापस कैसे आना है आपको। स्टार्ट करते हैं सी से, फाइव फोर, ये फिंगर से जो आपको नोट करनी है, जो स्क्रीन पे भी दी जाएगी पर आपको नोट्स करनी है। फाइव फोर थ्री, फाइव फोर थ्री टू, फाइव फोर थ्री, फाइव फोर थ्री टू, फाइव फोर थ्री, फाइव फोर थ्री टू, फाइव फोर थ्री, फाइव फोर थ्री टू एंड वन। जाने वाला मैंने आपको बताया था, ये मैं आने वाला बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिए सिर्फ आने वाला है सी मेजर स्केल लेफ्ट हैंड से। लाइक अब मैं जाने वाले के साथ आने वाला भी बजाता हूँ। फिंगर्स नोट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, 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 टू थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव। अब आने वाला फाइव फोर थ्री, फाइव फोर थ्री टू, 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 फाइव फोर थ्री, फाइव फोर थ्री टू वन। ये थी फिंगर पोजीशन, जो कि मैं फिंगर्स आपको नोट्स कराता हूँ। ये मैंने बोला इसलिए ताकि आप उसको नोट डाउन कर सके। जो जो फिंगर, जो जो नोट्स पे जो जो फिंगर आ रही थी वो मैंने आपको बोल के बताया है, और आपको स्क्रीन पे भी दिया जाएगा ताकि आपको और इजी हो। तो ये आपको दोनों हाथ से प्रैक्टिस करनी है, पहले एक एक से कीजिए फिर दोनों हाथ से कीजिए, ताकि आपके लिए इजी हो। और टाइमिंग जो है ध्यान रखिए, ताकि आप टाइमिंग में उसको प्ले कर सकें, क्योंकि ताल बहुत ज़रूरी है। सुर आने के बाद ताल की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो चीज़ें भी आपको सीखनी है। तो मैं आपको दोनों हाथ से प्ले करके बताता हूँ स्लोली, ताकि आपको समझ में आए। तो इस बार मैं काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस हाथ की जो फिंगर पोजिशन से वो अलग है और इस हाथ की अलग है। तो मैं सिर्फ प्ले करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप भी उसको साथ में जब आप प्ले करेंगे तो कैसा साउंड करेगा। देखिए कैसा अच्छा साउंड कर रहा है एक ही टाइमिंग में, और एक एक की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्लियर बजेगा, क्योंकि एक एक नोट साथ में आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी नोट ऐसे नहीं बनना चाहिए, क्लियर बनना चाहिए साथ में। पहले ये बाद में ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब साथ में बननी चाहिए। यह है एक ऑक्टेव में जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हर एक चीज को आपको सेपरेट प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप उसको अच्छे से प्ले कर सकें और अच्छे से सीख सकें। तो ये आज का लेसन था सी मेजर स्केल पूरे कीबोर्ड में जो आपने सीखा आज। तो नेक्स्ट लेसन में आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। Hare Krishna, if you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. If you would love to help contribute to our next project, you can donate by clicking this button. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.